आप भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बड़ी खबर जनपद अमेठी से है, जहां 16 सितंबर 2021 प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के आयुष्मान कार्ड विहीन लाभार्थी परिवारों को आयुष्मान कार्ड गोल्डन कार्ड उपलब्ध कराने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत 16 से 30 सितंबर तक विशेष आपके द्वार आयुष्मान 2.0 अभियान चलाया जाएगा। इस आशय की जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष दुबे ने मीडिया से मुखातिब होते हुए दी। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत सामाजिक जातीय एवं आर्थिक जनगणना के अनुसार चिन्हित आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को 5 लाख रुपए एक प्रतिवर्ष प्रति परिवार का स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से प्रदान किया गया है। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत 1500 से अधिक बीमारी एवं 2700 अस्पताल चिन्हित हैं, जिसमें श्वास रोग, हृदय रोग, गुर्दा रोग, पेट रोग, अस्थि रोग, मस्तिष्क सामान्य जटिल सर्जरी एवं मेडिसिन के केसेस इत्यादि को कवर किया गया है। उन्होंने बताया कि योजना से आच्छादित लाभार्थी परिवारों को निःशुल्क आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराकर लाभार्थी परिवार के पंजीकृत सदस्यों के बीमार होने की स्थिति में इस योजना के अंतर्गत इम्पैनल्ड राजकीय तथा प्राइवेट चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा उपचार प्रदान किया जाता है। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत जनपद के 5528 लाभार्थियों का उपचार किया गया है, जिसमें कुल रुपए लगभग 5,07,00,000 का निःशुल्क उपचार प्रदान किया गया है, जिसमें कुल्हा प्रत्यारोपण, हार्निया दूरबीन विधि से पित्त की थैली का ऑपरेशन, कान के पर्दे का ऑपरेशन, मोतियाबिंद गर्भाशय बच्चेदानी का ऑपरेशन आदि महत्वपूर्ण उपचार शामिल हैं। ब्यूरो चीफ राम कैलाश पटेल की रिपोर्ट। कॉमन सर्विस सेंटर का भी सहयोग लेने का निर्देश प्राप्त हुआ है। कॉमन सर्विस सेंटर के लोगों को भी यही धनराशि में उनको जो है जब वो गोल्डन कार्ड बांट लेंगे तो उनको सरकार अलग से अपना मान दे देगी। इसके तहत जो है हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय की निर्देशन की जो अपनी कार्य योजना बनाई है वो ये है कि जहाँ पर जिस पर जो है उनका HHID नंबर होगा जिसके तहत उनका गोल्डन कार्ड बनेगा, इसके साथ साथ उनका कहाँ पर गोल्डन कार्ड बनेगा बिल्कुल वोटर लिस्ट की तरह से वोट डालने के लिए होता है उसी तरीके से होगा। इस पर उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर लिखा रहेगा और कहां पर उनका कार्ड बनेगा इसको हम लोग क्षेत्र में वितरित करवा रहे हैं और उसके पहले ही जहां पर बनना है वहां पर हम क्लस्टर के रूप में अपने सारे संसाधन को लेकर के जाएंगे और वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा कार्ड बनाने का प्रयास करेंगे। हम लोगों का टारगेट ये है कि हम लोग किसी तरह से पूरी जनपद को संतुलित कर सकें और हम लोगों का एक उद्देश्य ये है कि जितने भी हमारे गोल्डन कार्ड धारक परिवार हैं हर परिवार में हम एक गोल्डन कार्ड बना ले जाएं। इसके लिए जो है एक स्ट्रेटजी हम लोगों ने और बनाई है, आशाओं को जो गोल्डन कार्ड धारक हैं उनकी आबादी में 1000 की आबादी में उन लोग ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहें नया भारत दर्पण समाचार।